जिस तरीके से जसदंग की चुनाव हो रही है, इस चुनाव का जंग आम चुनाव की तरह नहीं है, इसलिए क्योंकि एक जिसने पंजाब के निशान पे समर्थन देने वाली जनता, जसदंग की जनता के साथ गद्दारी की है, पक्ष पलटा किया है, प्रजाद्रोह किया है, पक्षद्रोह किया है, अपने लोभ लालच के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए वो भाजपा का पल्ला छाला है, तो जसदंग की जनता में आक्रोश है। कांग्रेस ने जिस आदमी को खड़ा किया है, हमारा अवसर भाई नाकिया, वो एक आम आदमी है, गरीब परिवार से आता है, सामान्य परिवार से आता है, जसदंग के लोगों के साथ है, इसलिए हर तरीके से लोगों के सुख दुख में भागीदार है। तो मैं मानता हूँ कि ये धर्म व अधर्म की लड़ाई है, सत्य व असत्य के बीच की लड़ाई है, पक्षद्रोही के सामने एक सत्य वचन वाली, अहिंसा में मानने वाली कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो अवसर भाई है, इसका लोगों का समर्थन मिलेगा। आने वाले दिनों में जसदंग का जिस आज फॉर्म के नॉमिनेशन के वक्त पे जिस तादाद में जसदंग के मतदाता हो, आम मतदाता हो, अपने स्वयंभू जिस तरीके से अवसर भाई को समर्थन दिया है, ये जिस तरीके से पहले की चुनाव में भी जसदंग की जनता ने जन समर्थन, जन आशीर्वाद कांग्रेस के पंजा के निशान पर, इसी तरह इस चुनाव में भी अवसर भाई नाकिया को जन समर्थन मिलेगा, पंजा के निशान को मिलेगा, और जसदंग की जनता फिर एक बार बोलेगी कि किसान विरोधी भाजपा सरकार का पराजय होगा और किसानों के लिए काम करने वाली कांग्रेस का जीत होगी। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना भाजपा की पहचान रही है। सीधी तरीके से जो जन समर्थन नहीं मिलता है, ऐसे तोड़फोड़ करके, अपने वहीवटी तंत्र का दुरुपयोग करके जो कारनामे किए जा रहे हैं भाजपा की ओर से, वो कारनामे पहले टाट की परीक्षा में देखा जा रहा है, इसके पहले तलाटी के कांड में हुआ था, 23 लाख नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ था इसके भविष्य के साथ, इसी तरह कल लोक रक्षक दल की भर्ती में 9 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं मानता हूँ भाजपा के जो चेहरे हैं वो सामने आ गए, ये छोटे मछली है, बड़े मगरमच्छ का नाम नहीं खुला है। जो पूरी तहकीकात होगी, पारदर्शक तरीके से इसकी तहकीकात होगी, निश्चित तौर पे इसमें मंत्री का कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के कमलम का कनेक्शन निकलेगा, या मंत्रिमंडल के सदस्य का इसमें कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद मिलेगा। मैं मानता हूँ कि ये कोबान छोटा मोटा कोबान नहीं, गुजरात के नौजवानों महंगी शिक्षा के बाद, ये भाजपा की देन है महंगी शिक्षा, और महंगी शिक्षा के बाद जब नौकरी पाने जाते हैं तब इसको नौकरी में ऐसे कौभांडों को भोग बनना पड़ता है। 9 लाख नौजवानों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले भाजपा के गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के पास इसका गृह विभाग का हवाला है, और अपना इस्तीफा दे। भाजपा ने तो 151 बैठक भी की थी और नर्वस 90 हो गए। तो मैं मानता हूँ कि ये तो बोलना, बोल बच्चन, झूठ बोलना, लोगों के साथ खिलवाड़ करना, लोगों की भावनाओं को द्रोह करना, ये भाजपा की पहचान रही है। जो राम भगवान के साथ खिलवाड़ कर सकता है, हनुमान जी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ये क्या आम लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। मैं मानता हूँ विखवाद तो भाजपा में है, क्योंकि इसके पास कोई उम्मीदवार नहीं था, तो अपने से कहीं उछीना पाछीना करके कोई और पार्टी से पक्ष पलटू को लिया गया है। कांग्रेस के पास तो बहुत उम्मीदवार है, कांग्रेस के पास ज़्यादा उम्मीदवार थे, सबने टीम मिलकर ली, ये पंजा का निशान लड़ा है। अवसर भाई तो हमारा प्रत्याशी है, पर इसमें लड़ाई है पंजा की लड़ाई है, सामने भाजपा का भ्रष्ट शासन है। निश्चित तौर पे जनता की, जसदंग की जनता कांग्रेस का जन समर्थन देगी, कांग्रेस के आम लोगों का समर्थन मिलेगा, कांग्रेस को किसान का समर्थन मिलेगा, आम युवान को मिलेगा, भाजपा के भ्रष्ट शासन को हराने के लिए।